सेगांव नगर में गुरुवार से जारी उल्टी दस्त का प्रकोप छठे दिन भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी उल्टी दस्त से पीड़ित 16 मरीज अस्पताल उपचार के लिए पहुंचे। इस घटनाक्रम में मरीजों का आंकड़ा 100 के पार हो गया है। तहसीलदार आर एस पाटीदार ने पीड़ित मरीजों से बात की, उनका हाल जाना। तहसीलदार नायब तहसीलदार राकेश बर्थडे, आर आई सोहन डालके व जनपद सीईओ मोहन वर्मा की टीम ने संक्रमित जल स्रोतों का निरीक्षण किया और जहां जहां पाइपलाइन लीकेज हो रही है उनको नगर में घूमकर देखा और दुरुस्त करने के निर्देश दिए। संक्रमित बावरी का पानी निकालकर वास्तविक स्थिति जानने के लिए कहा और मौजूद सभी जल स्रोतों को साफ सफाई कर लोहे की जाली से ढककर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए ताकि पानी में किसी प्रकार का कचरा ना जा सके। पीएचई विभाग ने भी जल स्रोतों का निरीक्षण कर पेयजल का सैंपल लिया जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सीएचएमओ खरगोन द्वारा निरीक्षण कर नगर में दवाइयां वितरण कराई गई और दूषित जल स्रोतों को प्रतिबंधित किया गया। छठे दिन राजस्व विभाग ने स्थिति को जानने के लिए औचक निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत द्वारा जल वितरण को लेकर तत्परता दिखाते हुए पेयजल स्रोतों के प्रतिबंधित होने के बाद टैंकर से पेयजल वितरण किया जा रहा है जिसमें जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पंचायत कर्मियों द्वारा लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त किया जा रहा है, इसके लिए वे देर रात तक काम कर रहे हैं जिससे पेयजल व्यवस्था शीघ्र ही सुचारू हो सके। यही सतर्कता पंचायत कर्मी यदि पहले दिखाते तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसे यहाँ पे शिकायत के लिए कि सेगावा में उल्टी दस्त लोगों में हो रही है तो मेरे द्वारा अस्पताल का उचित निरीक्षण भी किया गया, डॉक्टर संपर्क किया गया और सीओ जनपद पंचायत श्री वर्मा जी से संपर्क किया गया और जहाँ से पानी का सप्लाई होता उन दोनों पंप हुए उनको निरीक्षण किया गया। यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे उनको निर्देश दिए गए कि पानी बिना ही ट्रीटमेंट किए गाँव सप्लाई नहीं किया जाए और कुएं की साफ सफाई और ऊपर जाली लोहे की जाली बनाने के निर्देश दिए और जहाँ जहाँ पाइपलाइन टूटी हुई थी या पानी लीकेज जिनकी संभावनाएं थी उनको तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। भगवानपुरा से बबलू गुप्ता की रिपोर्ट।